आज सोमवार 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की 394 जयंती के अवसर पर कर्नाटक सरकार जिलाडलिता जिला पंचायत कन्नड़ एवं सांस्कृतिक इलाके बीदर की ओर से बीदर में बड़े ही हर्ष और उल्लास और श्रद्धा के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उत्सव मनाया गया। इस जयंती उत्सव में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आईन हर्ष रहीम खान, पूर्व शासक बंडप्पा खाशिमपुर, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी गुरनाथ कल्लूर के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिवाजी महाराज के चित्र की पूजा की गई और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद डीसी कार्यालय से होकर शिवाजी चौक से होते हुए रंग मंदिर तक एक रैली निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया और नृत्य करते हुए आगे बढ़े। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत कुमार, मिनिस्टर रहीम खान और मराठा समाज के मुखंड नारायण गणेश वकील ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। छत्रपति शिवाजी महाराज के 394 जयंत्योत्सव के निमित्त सभी देशवासियों का मेरा हार्दिक अभिनंदन शुभकामनाएं। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के इतिहास में एक समृद्ध राज्य बनाए हुए, सुरक्षित राज्य बनाए हुए और मुगलों के खिलाफ डट कर लड़के सामना करके परस्त करने वाले और हिंदू साम्राज्य के स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती उत्सव पर आज देश भर में देश के जनता उत्सव और उमंग के साथ जयंती उत्सव मना रहे हैं। फिर से एक बार सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती उत्सव पर मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जयंती है तो मैं सभी बीदर डिस्ट्रिक्ट के पूरी जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और शिवाजी महाराज के बारे में कितना बोले तो भी कम है, क्योंकि वो किसी के एक समाज के बारे में या किसी के बारे में वो ऐसा कोई दुश्मनी नहीं थी। वो बहुत ही इंसाफ के लिए उनका कभी भी फाइट था। जब इंसाफ की बात आती है तो सामने कौन है क्या है बल्कि वो देखा नहीं जाता, तो उनका बहुत बड़ा इतिहास है। तो आज जयंती की मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।